सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपको क्रिकेट की ताजा खबरें देखनी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, 16 साल पहले जब बड़े बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद हर घर का टीवी बंद हो चुका था, उस वक्त दो नए और युवा सितारों ने ऐतिहासिक बल्लेबाजी करते हुए भारत को कभी न भूलने वाली जीत दिलाई थी। उसी जीत के नायक मोहम्मद कैफ ने लॉर्ड्स में खेली गए अपनी मैच जिताऊ पारी को याद करते हुए क्रिकेट के हर फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। कैफ ने ये फैसला भारत के लिए आखिरी मैच खेलने के बाद करीब 12 साल बाद लिया। कैफ ने ट्विटर पेज पर भावुक करने वाले संदेशों के साथ संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, 13 जुलाई को यह घोषणा करने का कारण है, हम सभी के प्रोफेशन जीवन में ऐसा पल आते हैं जो हमारी पहचान बन जाती है। 16 साल पहले 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स पर हमने वह पल जिया, इसी दिन खेल को अलविदा कहना सही लगा। 37 साल के कैफ ने भारत के लिए 13 टेस्ट 125 वनडे खेले थे और उन्हें लॉर्ड्स पर 2002 में नई ट्विस्ट ट्रॉफी फाइनल में 87 रन की मैच जिताने वाली पारी के लिए आज भी लोग याद करते हैं। मैच 11 साल की उम्र में कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान से अपने कैरियर का आगाज करने वाले कैफ विश्व कप 2003 में फाइनल खेलने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने भारत को अंडर 19 विश्व कप दिलाया था। उन्होंने लिखा, 13 जुलाई 2002 सबसे अलग था। वीरू, सचिन पाजी, दादा और राहुल पवेलियन लौट चुके थे और 326 रन असंभव लग रहे थे। कैफ ने आगे लिखा, मेरे अपने परिवार ने मैच छोड़कर मूवी लगा दी और बाकी का मैच देखा ही नहीं। मुझे और युवराज को किसी ने नहीं कहा था कि हम हारने वाले हैं और हम जीतने के लिए की खेले। उन्होंने कहा, लॉर्ड्स पर वह जीत बहुत खास थी और उसका हिस्सा बनना यादगार रहा। उन्होंने आगे लिखा, क्या मुझे कोई खेद है, हाँ अगर ऐसा नहीं होगा तो मतलब मैं इंसान नहीं हूँ। काश मैं भारत के लिए लंबे समय तक खेल पाता, काश ऐसी व्यवस्था होती जिसमें 25 साल के इंट्रोवर्ट लड़के से कोई पूछता कि वेस्ट इंडीज सीरीज में नाबाद 148 रन बनाने के बावजूद वे फिर कोई टेस्ट क्यों नहीं खेला। उन्होंने लिखा, मल्लाल याद नहीं रहते क्योंकि भारत के लिए खेलने की यादें इतनी सुनहरी है कि जिंदगी उनके नूर से रोशन रहती है। उत्तर प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी जीतने वाले कैफ ने आखिरी फर्स्ट क्लास मैच छत्तीसगढ़ के लिए खेला था। सौरव गांगुली की अगुवाई में भारतीय टीम जब भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सुनहरे पन्ने लिख रही थी तो युवराज के साथ कैफ उसका अभिनंदन थे। कैफ ने 13 टेस्ट में 32 की औसत से 2753 रन बनाए, वहीं 125 वनडे में उनका औसत 32 रहा। कैफ हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में कैरियर की दूसरी पारी शुरू कर चुके हैं, साथ ही वो इस वक्त जम्मू कश्मीर टीम के साथ बतौर मेंटर जुड़े हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हो, कैफ को और मौके मिलने चाहिए थे या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।